Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Giving some, first of all, good evening to all. And today I'm just giving a very unique formula to become a Jyotish. Yes, sir. And आप start करो, उससे पहले जस्ट मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा. आप वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से, am I right? जी ठीक है सर. तो आपके ज्योतिष की जर्नी के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे, लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया और जी आप क्या करते हैं ज्योतिष में, और क्या आपका रिसर्च रहा है? मैं जब 14 वर्ष के थे तब मुझे आर्मी बनने की शौक था, इसीलिए मैं एनडीए की प्रिपरेशन ले रहा था बहुत ही बचपन से कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है. तो मेरा माताजी जो है वो एक हाई स्कूल टीचर थी, तो माताजी के वहां पर एक टीचर थी अंग्रेजी की, एक शिक्षिका थी, एक टीचर थी अंग्रेजी की टीचर थी, वो ज्योतिष जानती थी. तो एक दिन मेरे घर पर आए तो मैंने पूछा कि मौसी जी मुझे बताइए कि मैं एक आर्मी बन पाऊं कि नहीं. उन्होंने बताया मुझे, आप बेटा आपका जन्म तिथि, जन्म जन्म के जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे दीजिए, मैं देख के बताता हूँ. तो मैं दे दिया था. तो उन्होंने बताया था कि बेटा बहुत दुखद दुख के साथ बता रहा हूँ कि तुम आर्मी नहीं बन सकोगे या डिफेंस में नहीं जा सकोगे, तुम एक ऑकल्टिस्ट बनोगे, ज्योतिष बनोगे, ये मुझे बताया था. तो उसके बाद मैं 3-4 बार एनडीए की एग्जाम दिया था लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया. उसके बाद मैं नेवी के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो मौसी जी मेरे घर पर आए थे, वो जानते तक नहीं कि मैं अप्लाई किया हुआ हूँ. उन्होंने एक प्रश्न चार्ट, अब मुझे पता चलता है कि वो प्रश्न गणना थे, वो प्रश्न चार्ट करे थे, करके बताया कि आप किसी डिफेंस रिलेटेड कार्य के लिए की कोशिश कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन भेजे हुए हो? मतलब हाँ. तो उन्होंने बताया कि ये तुमको नहीं होगा बेटा, तुम ऑकल्टिस्ट बनोगे. तो वो नहीं हुआ मुझे. तो उस दौरान ही मुझे ज्योतिष के लिए आग्रह भरा, मैं कैसे ज्योतिष बन पाऊंगा. और मेरे सौभाग्य की बात है कि बंगाल में डॉक्टर रौनक शाह के पास मुझे ज्योतिष सीखने की सौभाग्य प्राप्त हुआ. मैं 6 साल अध्ययन किया, वो एक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन बहुत बढ़िया ज्योतिष थे और बहुत ही कम छात्र पढ़ाते थे. तो उनके पास मेरा ज्योतिष का मैं अध्ययन किया. उनका भी, उनका बहुत सारी किताबें है बंगाली में लिखा हुआ है, दोज बुक्स आर रिटन इन बंगाली बट इट्स वेरी क्वाइट इफेक्टिव, जस्ट लाइक एस के मेहता, इज एस के मेहता ऑफ कोलकाता. तो इसे वही से मेरा जर्नी शुरू हुआ. उसके बाद उनका भी पराशरी होरा का भी ऊपर की उठके उनका एक किताब है, पराशरी भाव विचार, उनके अपना श्लोक जी पराशरी भाव विचार, उसका किताब मैं पढ़ के बहुत समृद्ध हुआ. उसके बाद ही मेरा ज्योतिष का जर्नी ऐसे ही शुरू हुआ. उसके बाद मैं बहुत सारे क्लासिकल जो टेक्स्ट जो है, अंग्रेजी किताब, हिंदी किताब, वो पढ़ के अभी तो प्रोफेशनल ज्योतिषी बन गया. ओके, तो सर कैन यू रिपीट द नेम ऑफ द टीचर, लाइक होम्योपैथिक डॉक्टर जो आपने बताया कि डॉक्टर रौनकतोष शाह. डॉक्टर रौनकतोष शाह, ओके. यस, ही इज अ फाउंडर ऑफ कलकत्ता एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर. ओके ओके सर, सो गुड टू हियर. और लाइक यू हैव स्टडीड लॉट ऑफ बुक्स, लाइक इन दिस सेशन वी हैव बिगिनर स्टूडेंट, कुछ जो बिगिनर्स भी हैं, कुछ एडवांस स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ जी. तो कोई 2-3 बुक्स के बारे में बताना चाहे तो पहले मैं बंगाल कम्युनिटी, पहले मैं बंगाल कम्युनिटी के लिए बता रहा हूँ कि कौन सी किताब पढ़े, उसके बाद अदर साइड जो हमारा देश का जो है, जो हिंदी भाषी अंग्रेजी भाषी जो समझते, मैं बताऊंगा.
पहला जो किताब मेरे पास है यह हरिहर मजुमदार का किताब है, यह है बृहत पराशरी होड़ा, यह बंबई संस्करण का है, यह बंगाली किताब है, दोनों भागों में है। ये ज्योतिष सीखने के लिए मैं, ये एक बैकबोन की तरह है, दिस इज नथिंग बट ए गीता ऑफ भगवत गीता ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। So basically this is a पराशर होरा शास्त्र। Yes, this is पराशर होरा शास्त्र translated by हरिहर मजुमदार, he is a Bengali author। Okay। And ये एक उच्च पदाधिकारी थे, IAS थे। तो पराशरी होरा इनका किताब मैं पढ़ा हूँ, पहला क्लासिक्स जो बुक्स है बंगाली का इसके, और इनका जो नोट्स जो है पराशरी होरा को समझने के लिए जो नोट्स जो होता है वो वही हरिहर मजुमदार का जो किताब है फलित ज्योतिष। ओके, ये पराशरी होरा का जितना जो नोट्स होता है ना ये किताब में लिखा हुआ है, लेफ्ट तरीके से बोल सकते हैं कंक्लूजन है पूरा इसके अंदर। जी जी, ये किताब मुझे बहुत ही फायदा दिया, बहुत ही सीखने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल ज्योतिष अप्लाई करने के लिए डॉक्टर रणधर शाह का जो किताब जो है ये किताब आठ भागों में है, एक से आठ भागों में है, एक से आठ भाग। ये प्योरली प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर्स बनने के लिए ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं तो बहुत ही फायदा मंद, मुझे बहुत ही फायदा हुआ ये पढ़ के। ज्योतिष विचार है नवोदिगंत, इट इज रिटन इन बंगाली। और एस्ट्रोनॉमी सीखने के लिए दोनों किताब मैं मेंशन करूंगा, एक है दीपक कपूर का अंग्रेजी किताब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी, इसी नाम पे लिखा हुआ है दीपक कपूर का। और बंगाली में मैं बताऊंगा कि एस्ट्रोनॉमी सीखने के लिए जो मैनुअली जो चार्ट जो कास्ट करने के लिए, कास्ट करना, डिविजनल चार्ट कास्ट करना, अष्टक वर्ग कास्ट करना, दशा इनपुट करना है, तो बंगाली रीडर्स के लिए मैं बताऊंगा कि ये किताब बहुत ही अच्छे फायदेमंद, लिक्विड लिक्विड तरीके से लिखा हुआ है ये किताब। ये भी रणधर शाह का भी है। मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज मस्ट, सो फॉर दैट विदाउट टीचर वन कैन इजीली अंडरस्टैंड मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी थ्रू दिस बुक, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू दीपक कपूर्स बुक, गुड, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और हिंदी के लिए मुझे काफी फायदेमंद रहा ये बुक बृहत पराशरी होरा शास्त्र आचार्य सीताराम झा। ये अच्छा लगा, ये हिंदी में भगवान की कृपा से हिंदी में पढ़ सकता हूँ, बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन हिंदी पढ़ने में समझ में कोई दिक्कत नहीं होते। ये किताब खिलाड़ी लाल पब्लिकेशंस की बुक है। जी जी जी। और अंग्रेजी के लिए मैं बताऊंगा, ये इसको लेकर कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये इनकम्प्लीट है कि नहीं, आर संतनम जी का बृहत पराशरी होड़ा अंग्रेजी में, ये मुझे काफी अच्छा लगा। ये इनकम्प्लीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दो पार्ट में है, ये पार्ट वन पार्ट टू, जो पार्ट फर्स्ट है ना वो शायद आर शंकरनम जी ने करा था, जो पार्ट टू वो पूरा कर नहीं पाया था, तो पार्ट टू वो दूसरे ऑथर ने उसको फिर कंटिन्यू। हाँ जी जी जी, ये पार्ट टू है ये जी मेरे पास। लेकिन और एक पराशरी होरा का नाम मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मेरे पास फिलहाल अभी तो मैं निकल नहीं पाया मेरा लाइब्रेरी से, लेकिन है मेरे पास गिरीश चंद शर्मा का, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे किताब है गिरीश चंद शर्मा का। ये भी फायदेमंद रहेगा नॉन बंगाली जो रीडर्स जो है पढ़ने के लिए। गिरीश चंद शर्मा जी का मैं दिखा देता हूँ, देखिए। हाँ जी, हाँ हाँ, यही किताब, ये बहुत ही लिक्विड तरह से समझ पाओगे, ऐसे लिखा हुआ है। अभी जैसे बीच लेक्चर्स की ही बात हो रही है तो मैं एक बुक में और ऑडियंस को बताता हूँ। ये बुक है पराशर होरा, ये भी न्यूली प्रिंट हुई है जी, पीके वासुदेव जी का, तो एक दो महीने हो चुके हैं। सो दिस बुक इज फ्रॉम ओपी पालीवाल जी की बुक है, ये पराशर होरा, वन ऑफ द बेस्ट बुक इन दी बीपीएचएस जी, है ना, ये आपको मिलेगा। इसका ये हिंदी है, इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश ट्रांसलेशन इज बाय पीके वासुदेव जी जी, इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस। जी जी जी, जरूर, ये तो पढ़ने का मुझे सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जल्दी मैं ये पढ़ने की सौभाग्य प्राप्त, मैं आपको भेजूंगा कॉपी। ओ थैंक यू। और एक किताब मैं बताऊंगा, मैं समझता हूँ कि ये अंग्रेजी, जो लोग अंग्रेजी में कंफर्टेबल है उसको
अच्छा लगेगा, सारावली कल्याण वर्मा जी का, वन ऑफ द बेस्ट बुक जी। यही किताब पढ़ के मेरा शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है, लोग बोलते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पराशरी होरा एंड बृहजातक, बृहजातक इज मोर ऑथेंटिक देन पराशरी होरा, बट अकॉर्डिंग टू मी इन माई ज्योति आई स्टार्टेड विथ पराशरी होरा इन माई जर्नी, एंड देन आई गन थ्रू सारावली, जातक तथ्य, जातक पारिजात, ऐसे कुछ बुक्स। लेकिन अंग्रेजी में मैं, मुझे तो सारे के सारे किताब मैं कोई चूज नहीं किया, जो भी क्लासिक्स आया, जो भी ऑथर का आया, मैं ग्रैब कर लिया, क्योंकि कुछ तो है उसमें, जो भी है कुछ तो है, मैं तो इनरिच ही हूंगा इसीलिए। नहीं सर, बहुत अच्छा बताया आपने, एंड आई होप ऑडियंस को इससे बेनिफिट मिले, खासकर जो बंगाल साइड से ऑडियंस जो सुन रही है जी, कुछ बंगाली बुक्स में भी आपको सर ने रिकमेंड किया है, तो आई होप they will also get benefits from your position. Sir, truly से बंगाल में अच्छे ज्योतिष का किताब नहीं है, लेकिन ये रणधर शाह का जो किताब जो है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता कर रहा हूँ, लेकिन ये जो किताब है, those who know want to know predictive astrology from bottom of their heart, I strongly recommend them from Bengal side, they should grab this book and definitely by passage of time they can be a very good predictor. आपके सर बंगाल में जैसा आपने बोला एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स का, तो आपने एक चार्ट लिया है आपके प्रेजेंटेशन में, डॉक्टर निमानी बनर्जी आई थिंक। यस सर, सर आई कंट्रीब्यूट माय आर्टिकल्स टू हिज मैगजीन प्लैनेट फोरकास्ट। उनका जो मैगजीन्स है ना, उसके जो आर्टिकल्स, इवन उनके बुक्स भी हैं जी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर लर्निंग पर्पस। तो आज वो बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में जी, बट किसी को अगर मिले बुक्स तो बुक जरूर पढ़िएगा जी, ऑथर्स की सारी बुक्स अच्छी है, और इवन जो उनके मैगजीन भी है उसमें भी आर्टिकल, रेयर आर्टिकल्स जी कैन फाइंड। सो थैंक्स सर फॉर शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज। सो इट्स माय प्लेजर सर। तो सर आपका, अब बात करते हैं कि आपका जो ये टॉपिक है आज का हमारा जी, के बारे में सर बताइए। देखिए क्लासिकल ज्योतिष में बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ज्योतिष बनने के लिए, कि सारावली में लिखा हुआ है कि अगर मंगल शुक्र का युति हो तो जातक अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, वो जन्म जन्म की जो ज्योतिष का जो ज्ञान जातक लेके पैदा हुआ है और जातक एक अच्छे ज्योतिष बन पाएंगे, ये सारावली में लिखा हुआ है। और पराशरी होरा में लिखा हुआ है कि बुध और चंद्र से दशम भाव में अगर बुध हो, या चंद्र में लग्न से दशम भाव में या केंद्र में अगर गुरु हो तो ज्योतिष का नॉलेज हो सकता है, ये ऐसे बहुत सारे जो सूत्र जो है क्लासिकल बुक्स में दिया हुआ है। लेकिन सर इन प्रेडिक्टिव केस लाइक एसके मेहता, मुझे ऐसा कुछ सूत्र चाहिए जो मोस्ट ऑफ द चार्ट इट मे बी एप्लीकेबल, तो इसीलिए ज्योतिष बनने की जो योग जो है मेरे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ है, ये जो योग मैं गुरु से सीखा हुआ हूं, और ये लगभग हर ज्योतिषी की चार्ट में ही लगेगा, तो मैं क्या शेयर करूं सर? जी सर जी, प्लीज मुझे सर शेयर करने दीजिए थोड़ा। पहला जो मैं जो मेंशन करने जा रहा हूं, जो योग के बारे में जो मेंशन करने जा रहा हूं, कि टेंथ हाउस और सेकंड हाउस का योग बनना चाहिए किसी के कुंडली में। इफ सेकंड लॉर्ड इज कनेक्टेड विथ टेंथ हाउस और टेंथ लॉर्ड, वाइस वर्सा, इफ टेंथ हाउस और टेंथ लॉर्ड इज कनेक्टेड विथ सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड, नेटिव कैन इंक्लाइन टू एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज। दशम भाव या दशम पति से अगर द्वितीय भाव या द्वितीय पति का युति हो या कनेक्शन हो चार्ट में, तो ज्योतिष जातक या जाति का ज्योतिष बनने के लिए अग्रसर हो सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? दशम भाव से हम विचार करते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, क्योंकि दशम भाव जो है वो मिड हेवन होता है। दशम से हम एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल मैटर जो है हम विचार करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो तारा
नक्षत्र स्टार ये सब लेके ही है। और सेकेंड हाउस जो होता है वो स्पीच होता है, हमारा वाक होता है, हम कैसे बात करते हैं, स्पीच होता है सेकेंड हाउस से। तो दशम या दशम भाव या दशम हेस से अगर सेकेंड हाउस सेकेंड लॉर्ड का अगर कनेक्शन हो तो जातक ज्योतिष के लिए अग्रसर होने के लिए इच्छुक होगा। यह है फर्स्ट जो पैरामीटर। यह पैरामीटर लगभग सभी जो विख्यात जो ज्योतिष जो है, जो फेमस जो एस्ट्रोलॉजर है, उसके ऊपर लागू होगा। उसके बाद होता है कि पंचम और यह अष्टम का योग, फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड और एट्थ हाउस और एट लॉर्ड इज कनेक्टेड बिटवीन ईच अदर, देन नेटिव विल बी अ रिसर्च ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजर। पंचम जो है, पंचम भाव से हम मेधा विचार करते हैं, इंटेलिजेंस विचार करते हैं पंचम भाव से। पंचम भाव जो है मन का संपदा होता है, मन का जो हमारा मन का जो अच्छे अच्छे जो दिग जो होता है वो पंचम से विचार करते हैं। और पंचम भाव जो होता है वो पूर्व पुण्य भी कहते हैं, क्योंकि वो नवम से नवम भाव, नवम से नवम होता है, नवम से हम पूर्व जीवन विचार करते हैं, नवम से नवम, नवम नवम से नवम यानी कि पंचम भाव से हम लोग विचार करते हैं पूर्व जीवन की, पूर्व जीवन की पुण्य, पंचम से मेधा भी विचार करते हैं। और एट्थ हाउस जो है वो ऑकल्ट स्टडीज होता है, और रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज जो होता है उसको भी दर्शाता है। तो पंचम भाव और अष्टम भाव अगर युति हो, पंचमेश और अष्टमेश के साथ अगर कंजंक्शन हो, तो जातक एक अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए इच्छुक होगा, वो रिसर्च करता रहेगा। उसके बाद शुक्र या शनि का भी युति होना चाहिए, शुक्र शनि के घर हो या शनि शुक्र के घर हो, शनि शुक्र के नक्षत्र में हो, शुक्र शनि के नक्षत्र में हो, या शुक्र या शनि देख रहे हो, किसको एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जातक ज्योतिष बनेगा। प्रश्न उठता है शुक्र या शनि को कैसे, क्यों हम लिए यहाँ पर, गुरु को भी ले सकते थे, जुपिटर को भी ले सकते थे, बुध को भी ले सकते थे, शुक्र या शनि को कैसे लिए, यह प्रश्न उठता है ना हमारा ऑडियंस के ऊपर। तो क्यों लेते हैं, यह मैं क्लियर करता हूं। काल पुरुष की कुंडली के सेकेंड हाउस जो है वो शुक्र का स्थान होता है। काल पुरुष का फर्स्ट हाउस है एरीज यानी कि मेष राशि, सेकेंड हाउस जो होता है वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो अधिपति ग्रह जो है वो है शुक्र, और काल पुरुष की टेंथ हाउस का जो स्वामी जो है वो है शनि, शनिदेव। तो शुक्र या शनि का भी कॉम्बिनेशन ज्योतिष बनने के लिए जरूरत है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि पहला जो कॉम्बिनेशन जो है वो सेकेंड हाउस और सेकेंड लॉर्ड और टेंथ हाउस और टेकेंड लॉर्ड से आपसी कनेक्शन होना चाहिए। तो वही रूल को हम कालपुरुष कुंडली के ऊपर लागू किया। कालपुरुष की कुंडली की सेकेंड हाउस जो होता है वो शुक्र का घर होता है वृषभ राशि, और जो टेंथ हाउस जो होता है वो है मकर राशि शनि का घर। ये शुक्र शनि का भी कॉम्बिनेशन हर अच्छे ज्योतिष की कुंडली में रहेगा। तो अगर मैं ये समराइज करें ये तीनों जो सूत्र जो है, तो क्या फर्स्ट सूत्र जो होता है दशम भाव या दशमेश के साथ सेकेंड हाउस या द्वितीय के साथ संबंध होना चाहिए, 2+10 ये कॉम्बिनेशन पहला वाला कॉम्बिनेशन होगा। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन जो है पंचमेश और अष्टमेश के साथ कनेक्शन बता दिया, पंचम से मेधा पूर्व पुण्य विचार करते हैं और अष्टम से ऑकल स्टडीज, और उसके बाद है शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन, या कि वेनस जो है शुक्र जो है काल पुरुष की सेकेंड हाउस है, और टेंथ से विचार टेंथ जो है वो है मकर राशि, मकर साइन कैप्रिकॉर्न साइन, उसका जो स्वामी जो है वो है सैटर्न शनि। ये शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। शुक्र अगर शनि के नक्षत्र में हो या शनि शुक्र के नक्षत्र में हो या आपस में कनेक्शन हो तो जातक ज्योतिष अच्छे ज्योतिष बन पाएंगे। इसके अलावा और भी थोड़ा कॉम्बिनेशन है ज्योतिष बनने के लिए, इसके साथ लागू होगा। अगर सैटर्न और केतु इसी कुंडली में कनेक्शन हो, सैटर्न और केतु के साथ अगर यही कॉम्बिनेशन के साथ अगर सैटर्न केतु का अगर कनेक्शन हो तो जातक ज्योतिष बन पाएंगे। मैं किताब पढ़ा था एक नाड़ी ग्रंथ, मुझे मालूम अभी तक मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा है, कांट रिमेम्बर। शनि केतु का कॉम्बिनेशन होता है कि महादेव ध्यान मग्न है, मैं वही किताब में पढ़ा हूं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। शनि केतु का अगर कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन के साथ अगर अगर रहे थे किसी एस्ट्रोलॉजर के
किसी कुंडली के, किसी एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में, तो उसका जो रेमिडियल जो सेक्टर जो होगा वो काफी फायदेमंद रहेगा। उसका जो रेमिडियल जो है, रेमिडियल जो मेजर जो है, एक अच्छे ज्योतिष लोगों को, लोगों का डेस्टिनी पढ़ने के अलावा उनका जो रेमिडियल जो पार्ट जो है, ये सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन उसको रेमिडियल मेजरमेंट में काफी अनुभवी करेगा। और एक कॉम्बिनेशन होना है जुपिटर और सैटर्न, इसको आरजी राव ने गुरु कर्म में योग बताया। अगर जुपिटर और सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन इनके साथ हो तो रेमिडियल मेजरमेंट में, प्रेडिक्शन में अच्छे खासी उसको जो स्किल जो है, दक्षता जो है रहेगा। उसके बाद एक केतु जुपिटर या गणेश योग होता है, ज्योतिषी को ज्ञानी बताए, ज्ञानी करेगा, रिसर्च ओरिएंटेड करेगा। यही है कॉम्बिनेशन का चार्ट। आप कुंडली अगर हम देखें तो हम यही जो कनेक्शंस जो है हम देख पाएंगे। हेलो यस सर। हाँ सर बताया, अभी तो अभी चार्ट पे जाए सर। So can you make it in English also, because we have an audio. Yes, yes, okay. So I am ye Hindi bhashi ke liye tha. Now I am going to share my techniques, those who understand English or those who come from outside of India, or they can understand English. I'm just going to share my techniques. First of all, there are so many classics are there. In classics, we have got several combinations to be an astrologer, to be an occultist. Suppose Jupiter, if Jupiter is occupying in 10th house from ascendant, or Mercury is occupying from 10th house from Moon Lagna, or Mars or Venus is connected in any horoscope as per Saravali. There are so many combinations are there, they can be a good astrologer. But today, I'm going to share some unique technique which can be applicable to most of the charts, and I have got it from my guru Dr. Ranotosh Shah, and it is applicable to most of the charts. First of all, I am going to share from first combination is that second lord or second house must be connected with 10th house or 10th lord. 2+10 or 10+2, this combination must be existing in a horoscope which provokes a native to be an astrologer. Why I tell 2+10 or 10+2 this combination? 10th house is midheaven of a horoscope, and from 10th house we denotes astronomy, astral related knowledge, and second house is speech. Second house denotes speech. So if 10th house or 10th lord is connected with second house or second lord, then native is inclined astrology related studies. This is the first combination. You can, those who are interested in astrology, if they can testify this principle to their charts, they can easily understand. And second combination I'm going to mention along with this combination, if 5th house or 5th lord is connected with 8th house or 8th lord, native will be a research oriented astrologer. Why I mention 5th house or 5th lord must be connected with 8th house or 8th lord? Because 5th house, from 5th house we denotes dedication, from 5th house we denotes intelligence, and from 5th house we denotes our merits of our previous birth. Because from 9th house we denotes our previous birth as per Mantreshwar Faldivika, it is mentioned there. And 5th house is 9th from 5th house, that is our Purva Punya, our merits of our previous birth. And 8th house or 8th lord denotes occultism, occult oriented knowledge, research oriented knowledge. So 5th house or 5th lord and 8th house or 8th lord must be connected. Those who want to be a research oriented astrologer, this combination must be present in their horoscope. And third combination I'm going to express, that is Venus and Saturn combination. Venus, either Venus or Saturn is in conjunction, or Venus is in Saturn star, or Saturn is in Venus star,
और एनी हाउ वीनस और सैटर्न इफ मेकिंग कंजंक्शन और मेकिंग इंपैक्ट बिटवीन ईच अदर नेटिव कैन बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर. व्हाई आई मेंशन वीनस एंड सैटर्न, लॉट्स ऑफ यू नो ऑडियंसेस सेज जुपिटर इज अ कारका ऑफ एस्ट्रोलॉजी. यस आई एडमिट. मरकरी इज अ कारका ऑफ सिग्निफिकेटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. यस आई एडमिट. बिकॉज बट व्हाई आई मेंशन वीनस एंड सैटर्न, As I mentioned, 2+10, second house or second lord must be connected with 10th house or 10th lord. Similarly, I use this formula in natural kundali, naisargik kundali. In natural kundali, Aries, naisargik kundali, naisargik kalpurusha. Second house is Vrishabha. Second house denotes Taurus sign. And Taurus lord is Venus. And 10th house of natural kundali, natural horoscope is Capricorn, that is Makar. Saturn is the owner of Capricorn. So Venus and Saturn, this combination must be present in astrologer's horoscope. These three things, these three combinations are quite essential to be a talented, research-oriented astrologer. These three combinations, along with this, those who are very good astrologer, they are very good predictor. Among three principles, we can easily understand native can be a good astrologer. But in remedial part, if we go to astrologer for our problem, for resolving our problem, so remedial part is a vital thing. Recently I've gone through a Nadi Grantha that is written in Oriya, and my Oriya friend translated this to me, but I can't remember the name of that Oriya book right now. It is Nadi Grantha. If Saturn connects with Ketu, among this combination, native can be a good remedial astrologer. Because on that book it is written, Saturn plus Ketu denotes Mahadev is meditating, Lord Shiva is meditating. If this combination is present, Saturn plus Ketu, this combination is present, along with these combinations, native, that particular astrologer prescribing remedy must be beneficial for a seeker. And if Jupiter plus Saturn, if this combination is also, this is also a equal benefic combination to be a good remedial astrologer. Because as per R.G. Rao, famous Nadi author, Nadi astrologer, it denotes Guru Karma Yoga. Astrology is intellectual profession. Astrology is divine profession. If Jupiter and Saturn, this combination is present among this combination, that particular astrologer's prescribing remedy must be fruitful for seeker or must be fruitful for clients. And another combination is present, I'm going to mention, that is Jupiter plus Ketu. Ketu denotes Ganesh and Jupiter denotes knowledge, divine knowledge. Jupiter plus Ketu, it denotes Ganesh yoga. You can't find this yoga in Parashar astrology, but it is stated in Nadi Grantha. If this combination is present among this combination, natives prescribing remedy must be fruitful for clients. Astrologer can reduce natives problem if this combination is present astrologer's horoscope. Any questions, sir? Any questions? This Saturn Ketu. Yes. If it is Saturn Mars, it is same, equivalent. No. It's not equivalent. No. Ketu denotes Mars is like, you know, Mars is a violent nature. Mars denotes fiery elements, and Ketu denotes airy elements. Saturn is also an airy planet. So Saturn plus Ketu, if it is connected in Kendra or Kona position, your intuition power will be very much. And intuition for an astrologer, intuition is God gifted. It gives you extra mileage. It only hamper your physical
portion. If Saturn Ketu occupied in your Lagna, that is another chapter that you can suffering from migraine or headache, or you get injury on your head. That is another chapter. But for being an astrologer, it's a quite different. Okay, sir. Rakeshji, you have raised your hand. Namaskar, sir. Namaskar. Sir, I just wanted to ask one simple question. Is it only the conjunction or the aspect also? No, it is applicable for conjunction or aspect. Both is important. Okay. It must be connected in any way. Okay. But in Parashariya aspect, either it is aspect, mutual aspect or one-sided aspect, or significantly aspected, or Kendra Kona position as per Mantrashar Faldipika, any Parashariya aspect, it is equivalent. Not, it is no conjunction only. It is applicable for aspect also. Okay, thank you, sir. Okay. Soumyaji, you raised your hand. Soumya's age 70. You can ask your question and unmute yourself. Okay. Gagan Bharati ji, aap poochho. Yeah, aap sun pa rahe hain mujhe? Haan ji, haan ji. या नमस्कार विनायक जी, नमस्कार सुमंता जी, नमस्कार जी. आपने जो कुछ कॉम्बिनेशंस बताए तो वो तो आई थिंक दो तीन कॉम्बिनेशन मेरे D1 में है, ठीक है. और एक कॉम्बिनेशन जो आपने बताया जुपिटर केतु का, या वो D9 में है जी. तो हम D1 के कॉम्बिनेशंस को और D9 के कॉम्बिनेशंस को हम लोग किस तरह से उनको हम क्लब करेंगे, या फिर किस तरह से उनको हम डिकोड करेंगे? मैं वो I'm going to express a very, you know, a secret thing which I've learned from my guru. Rashi chart is your body and Navansh is your soul. And divisional charts, the respected required, all the required divisional charts is for your day-to-day life needs. Suppose D10 your service, D12 from your parents, etc., etc. D1, D9, both are equivalent, both are important to see all, to see everything. Okay. And another thing, you can find this combination on your D20 or D24, these charts also. I'm not mentioning my PPT, but I'm just telling, in D20, Vinshangsh Kundali jo hota hai, aur Chatur Vinshangsh Kundali jo hota hai, ye combinations aap wahi chart mein bhi aap paoge. Kyunki Jyotish jo hai, ek sadhana hai. एक तपस्या है. मैं नहीं, देखिए नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं है. आप क्यों इंटरेस्टेड हो? ये जो होता है, ये एक श्लोक, संस्कृत श्लोक मुझे याद आ रहा है कि पूर्व जन्मेषु या नारी, पूर्व जन्मेषु या विद्या, पूर्व जन्मेषु या धनम, अग्रधवती अग्रधवती. अब पूर्व जीवन में जो जो स्त्री का संग किया हुआ है, वो आपके माता, आपके बहन, आपके दीदी, आपके बेटी, जो जो स्त्री के आप संपर्क में थे, पूर्व जन्म से या विद्या, जो विद्या आप पूर्व जीवन में अर्जित किए हुए हो, पूर्व जन्म से या धनम, जो जिस तरीके से आप धन उपार्जित किए हो, वो आपको अगले जीवन में भी आपको धावित होता है, अग्रधावती अग्रधावती. तो ज्योतिष जो है एवरीथिंग, ज्योतिष जो है, ये दोज हु आर इंक्लाइन टू एस्ट्रोलॉजी मैडली, दे आर ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर इन देयर प्रीवियस बर्थ ऑल्सो. So D1, D9, this is important, and D20 or D24 is also important, because D20, from D20 denotes our religious inclination. Jyotish is Vedangya. Vedangya ka jo six jo links hota hai, Shikha, Chanda, Vyakara, Nirukta, Jyotish aur Kalpadi. Vedanga ek part hota hai Jyotish. To Ved jo hota hai, wo dharm se jura hua hai. Ab hamara जो वैदिक जो स्टडीज, हमारा जो नीम, हमारा जो अस्तित्व है, वो वैदिक कल्चर के ऊपर ही बेस करके ही हम अग्रसर हुए. तो फ्रॉम D20 चार्ट्स देखना चाहिए, और D24 जो चार्ट्स है, चतुर्विंशांश कुंडली, वो आपको विद्या को दर्शाता है. विद्या दोनों तरफ का होता है, एक है निष्काम विद्या और एक है सकाम विद्या. विद्या से विमुक्त है, जो मुक्त करता है हमको मोह से, माया से, वह विद्या होता है. ज्योतिष जो है डिवाइन नॉलेज है. D24 जो है, D24 में ही आप यह कॉम्बिनेशन आप पाओगे.
D1, D9, D20, D24 is equal important. It's give you extra mileage. Thank you so much. Yes, Soumen, you can ask question now. Sir, my main question is that sir told me that the Jupiter and Ketu combination is Jupiter is in Ketu's nakshatra. Say example Jupiter in Ashwini nakshatra, then he will be a successful astrologer. Suppose this is no, it's just a part. You are inclined to grab knowledge if Jupiter Ketu is connected or Jupiter or Ketu conjunction. I just mentioned four parameters. This is a part. 2 + 10, second lot and 10th lot must be connected. 5th lot and 8th lot must be connected. And Venus and Saturn must be connected. Then Jupiter Ketu, Saturn Ketu, these are part. But okay. First three parameters are essential. Okay. It gave you an extraordinary astrologer, research-oriented astrologer. Suppose 100 astrologers are there, you will be a significant astrologer. Okay. Understand? Fine. Thank you. Okay, thank you. Yes, Alok ji. Bully. Is there any any effect if the planets are retrograde, Jupiter or Saturn or those planets are retrograde and this combination takes place? Does it have any impact on the... Sir, retrogression means, you know, if these planets are retrograde, it indicates that slowly you can grab this knowledge. Slowly but silently you grab this knowledge and you will be established as an astrologer slightly late. Because retrogrades means a slow motion. Slow motion. But no difference if it is direct motion, these planets are direct motion, you can establish yourself as an astrologer a little bit earlier. Okay. Thank you. So now I will take the last question. Amanji? Who, sir? Namaskar, Vinayak sir. Namaskar, sir. Samantha ji, namaste. Yeah, namaskar. नमस्कार, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है. जैसे आपने बोला कि एस्पेक्ट को भी बीच में लेते हैं, राइट? जी, जो आपने पांच पैरामीटर्स बताए, जी, तो जो एस्पेक्ट है ये दोनों का होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर कि किसी एक का भी हो सकता है? सर, अगर 10+ अगर दशमेश या द्वितीयेश का अगर कनेक्शन हो तो आप यू आर इंक्लाइन टू एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज. बट दोबारा बताइए सर, अगर टेंथ लॉर्ड सेकेंड लॉर्ड के साथ और या सेकेंड लॉर्ड टेंथ लॉर्ड के साथ अगर कनेक्शन हो तो आप ज्योतिष के ज्ञान पे रुचि रखेंगे, ठीक है, और एक एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे. लेकिन देखिए जो किताबों में लिखा हुआ है, थोड़ा सा तो आपको रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा सा हट के कुछ आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अगर रखना चाहते हैं तो पंचम अष्टम का भी योग और शुक्र शनि का भी योग जरूरी है. नहीं, मैं क्वेश्चन ये था कि एक तो आपने कंजंक्शन बताया उनका, हो वो तो साथ में युति में आ गए. जी, मान लीजिए प्लैनेट है जिसमें से फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, सैटर्न शुक्र को ले लें हम, जी, शनि और शुक्र को ले लेते हैं. मान लीजिए शुक्र शनि को देख रहे हैं या शनि शुक्र को देख रहे हैं, जी, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है? हाँ, जरूर. ये अच्छा, म्यूचुअल एस्पेक्ट और वन साइडेड एस्पेक्ट और कंजंक्शन बोथ इज यू नो एप्लीकेबल. ठीक है, दूसरा 6, 8, 12 में हूं उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी बताइए. मान लीजिए 6th, 8th और 12th हाउसेस में प्लैनेट बैठे, दिक्कत आएगा ज्योतिष ज्ञान अर्जित करने के लिए, आपको थोड़ा दिक्कत आएगा. ये क्या होता है कि देखिए, आपको नौकरी के लिए अगर बाहर जाए या काम धंधे के लिए बाहर जाए या सांसारिक काम काज करने के लिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा ज्योतिष ज्ञान अर्जित करने के लिए. लेकिन आप ज्योतिष बन पाओगे. जो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके अगर ज्योतिष अगर करो, ये करने के लिए केंद्र कण का संबंध होना जरूरी है. लेकिन अगर पीक भाग में चला गया 6, 8, 12 में तो दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है. थोड़ा डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपका ज्योतिष ज्ञान आगे चलता रहेगा. अच्छा, अब जो बेसिक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं कालपुरुष कुंडली का, नैसर्गिक कुंडली की बात कर रहे हैं. अब नैसर्गिक में दूसरे भाव का स्वामी हमारे
वीनस हो गए, शुक्र हो गए जी, और अष्टम के मंगल हो गए जी, टेंथ के शनि हो गए जी। अब क्या किसी की कुंडली में मान लीजिए लगन कोई भी है, वील टेक असेंडेंट एनी ऑफ द असेंडेंट राइट अज्यूमिंग, लेकिन टेक्निकली सिद्धांत पॉइंट ऑफ व्यू से के काल पुरुष के अंदर मंगल एट्थ भाव के स्वामी है और शनि टेंथ के, अगर वो कॉम्बिनेशन हो जाए, यू आर वेरी इंटेलिजेंट और यू आर वेरी इंटेलिजेंट लिसनर एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ओके आई एम जस्ट रिजॉल्विंग योर क्वेरीज सर। देखिए वीनस जो होता है ना, वीनस जी, वो उसका एक नाम भार्गव होता है, वो शुक्राचार्य होता है, शुक्राचार्य या दानव के गुरु जी, दानवों के गुरु शुक्राचार्य वीनस जो होता है, ठीक है, वो जाति में एक ब्राह्मण है, ठीक है। और सैटर्न जो होता है वो योगी होता है, वो योगी, वो तपस्या त्याग तितिक्षा ये इसको दर्शाता है, ये जो एलिमेंट्स ये सैटर्न के अंदर आता है। और मंगल जो है, आप सही बताया, मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, लेकिन मंगल का जो प्रेजेंस यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ज्योतिष बनने के लिए आपको अध्ययन त्याग तितिक्षा तपस्या आपको आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, आपके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, जो मंगल के अंदर नहीं है। मंगल फायरी प्लैनेट है, मंगल इंपल्सिव होता है, मंगल जो होता है वो एक वॉरियर प्लैनेट होता है, इसके अंदर धैर्य पेशेंस नहीं होता, ज्योतिष होने के लिए पेशेंस होने की जरूरत होता है, तो इसीलिए शायद मंगल को नहीं लिया गया जी। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही, अच्छा ठीक है, मंगल को आप इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो बट ऑब्वियसली इज अ वॉरियर है, उसको वो नहीं ले रहा, तो केतु का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसी, मैं पर्टिकुलर चार्ट को लेके नहीं चल रहा हूँ, इन जेनरिक बात कर रहा हूँ। वेयर एज के स्कॉर्पियो के अंदर केतु भी उसका एसोसिएट माना जाता है जी, राइट सर, उसका एसोसिएट माना जाता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर केतु अष्टम में आ जाते हैं जी, राइट सर, और अष्टम में केतु आ गए और शनि का उसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है जी, या शुक्र का 6-8 का इम्पैक्ट नीचे से आता है, आई डोंट नो, मैं सॉरी, मतलब आई जस्ट एलैबोरेटिंग, मतलब आई कुड बी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर अदर्स आल्सो। मान लीजिए कि हम दोनों को, प्लैनेट को हम बॉटम में लेके चलते हैं, लोअर हाउसेस के अंदर, 6th and 8th houses के अंदर जी, यहाँ पे वीनस और केतु, मान लीजिए केतु इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द 8th हाउस जी, एंड वीनस इज कनेक्टेड विद द 6th हाउस अगेन विद द हेल्पिंग पीपल आउट, या जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम उस चीज पे कर रहे हैं, क्या वो भी कॉम्बिनेशन हम लेते हैं आपके हिसाब से? जी जरूर, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पाताल लोक से हम उसको लेते हैं, मेरे हिसाब से तो है। मैं पहली बताया, केतु जो है, केतु का जो देवता होता है वो गणेश होता है, ठीक है जी, केतु का देवता जो होता है केतु गणेश होता है, केतु ज्योतिष का भी कारक है, ये उत्तर कलामृत में आपको सिग्निफिकेशन मिल जाएगा, कालिदास के उत्तर कलामृत में, ठीक है। तो सैटर्न केतु, सैटर्न केतु और केतु का जो, केतु और मंगल एक नहीं होता है, उनका कैरेक्टर एक, क्योंकि केतु जो है वो एयरी तत्व के अधीन है और मंगल जो होता है वो फायरी तत्व के अधीन होता है, ठीक है जी। देखिए तत्व को भी, एलिमेंटरी हार्मनी को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जी, राइट राइट, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो हम 6-8 को मतलब पाताल को हम कॉम्बिनेशन में ले लेंगे जरूर। मैं क्या बताया, अगर ये कॉम्बिनेशंस आपको केंद्र या कुंड में हो तो आप इजीली ज्योतिष सीख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई छेद नहीं आएगा। लेकिन अगर त्रिक भाग में चला गया या कॉम्बिनेशन 6-8-12 में, तो क्या ज्योतिष गण आप सीख पाओगे, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस के साथ, तो ग्रेजुअली ही हम उसको लेके चलेंगे जी जी। ठीक है सुमंता सर, थैंक यू वेरी मच, विनायक सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सो सर कैन वी क्विकली मूव टू आवर एग्जांपल चार्ट्स, एग्जांपल चार्ट्स भी ये भी काफी बचे हुए हैं, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चंस ले लेंगे जी। सो नीरज यू कैन शेयर द पीपीटी।
ये सर पहला एग्जांपल चार्ट है डीवी रमन जी का, ही इज अ भीष्म पितामह ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी वीवी डॉक्टर रमन. कैन आई इलैबोरेट? यस यस. ओके, हियर यू कैन सी दैट एक्वेरियस एसेंडेंट एंड सेकंड लॉर्ड. फर्स्ट माय फर्स्ट पैरामीटर इज दैट सेकंड लॉर्ड या टेंथ लॉर्ड शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर. हियर सेकंड लॉर्ड Jupiter occupied in 10th house. You can easily understand. Second Lord Jupiter is occupied in 10th house in Scorpio. First combination is fulfilled. Okay. And 10th Lord Mars occupied in 7th house, making impact on 8th house by its 8th aspect. Dityesh Guru jo hai, wo dasham bhav mein Vrishik Rashi mein chala gaya. Aur दशमेश मंगल जो है वो सप्तम भाव में है, अष्टम दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहे हैं और चतुर्थ फोर्थ एस्पेक्ट से भी जुपिटर को देख रहे हैं. मार्स इज आल्सो मेकिंग इंपैक्ट ऑन जुपिटर बाय इट्स फोर्थ एस्पेक्ट एज वेल एज सेकंड हाउस बाय इट्स एइथ एस्पेक्ट. फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज फुलफिल. अंडरस्टैंड सर? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर. देन सेकंड कॉम्बिनेशन इज fifth and eighth. I mentioned fifth lord or eighth lord should be connected to each other. Here fifth lord is Mercury, eighth lord is also Mercury. It is occupied in seventh house, making impact on Lagna. Correct? And third combination I mentioned, Venus should be connected with Saturn or Saturn should be connected with Venus. Or Saturn is in Venus house, Venus is in Saturn house, or Saturn is in Venus star, or Venus is in Saturn star. Any of these. Here you can see Saturn, which is Lagnesh, ascendant lord, Shani, jo lagan ki adhipati jo hai, wo Shukra ke ghar baitha hua hai, aur Shukra ke ghar baitha hua hai Vrishabh Rashi mein. Lagnesh, Saturn is occupied in Taurus house, which is Venus house. All the three combination is fulfilled here. थर्ड फोर्थ जो कॉम्बिनेशन बताया इसके साथ ये जो है दीज कॉम्बिनेशन आर एसेंशियल और एक्स्ट्रा माइलेज देगा. एक्स्ट्रा माइलेज विल बी गिवन टू इफ सैटर्न केतु, जुपिटर केतु और जुपिटर सैटर्न, इफ एनी ऑफ दिस प्लैनेट इज कनेक्टेड. हियर सैटर्न या सैटर्न एंड जुपिटर इज मेकिंग इंपैक्ट बिटवीन ईच अदर. सैटर्न इज इन टॉरस साइन, सैटर्न वृषभ राशि में है, गुरु वृश्चिक राशि में है, सप्तम दृष्टि से जो है म्यूचुअल एस्पेक्ट, एक एक शनि गुरु को देख रहा है, गुरु शनि को देख रहा है. ऑल द कॉम्बिनेशन इज फुलफिल्ड हियर एंड वी ऑल नो डॉक्टर रामन इज नोन एज अ भीष्म पितामह ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes. Then Surya Narayana Rao, he was a forefather of a grandfather of Bangalore Venkataraman. First combination, 10th lord must be connected with second house or second lord must be connected with 10th house. Here both combination is fulfilled. Second Lord Mercury occupied in 10th house and 10th Lord Saturn occupied in second house with retrograde motion. First combination is fulfilled. Dityesh Budh, jo Mithun Rashi second house yaha par para hua hai. Second house ka jo Swami Budh, wo Dasham Bhav mein sthit hai, Kumbh Rashi mein, Shani ke kshetr pe, Shani ke Rashi pe. Aur Shani jo hai, वो मिथुन राशि में है. यहाँ पर क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ शनि और बुध का, जो सेकेंड और टेंथ का कनेक्शन है. पहला जो कॉम्बिनेशन फुलफिल हो गया, उसके बाद पंचम और अष्टम का कनेक्शन देखना चाहिए. इफ फिफ्थ लॉर्ड कनेक्ट विथ एइथ हाउस और एइथ लॉर्ड कनेक्ट विथ फिफ्थ हाउस, नेटिव विल बी रिसर्च ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजर. हियर फिफ्थ लॉर्ड इज मर्करी एंड एइथ लॉर्ड इज जुपिटर. हियर easily we can easily understand, हम लोगों का आसानी से हम देख रहे हैं
के बुध और गुरु जुपिटर और मरकरी इज कंजंक्ट एंड ऑक्युपाइड इन 10th हाउस. दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड. एंड थर्ड कॉम्बिनेशन आई हैव मेंशनड, सैटर्न एंड वेनस शुड बी कनेक्टेड टू इच अदर और म्यूचुअल एस्पेक्ट, और सैटर्न इज वेनस कॉन्स्टेलेशन और Venus star or Venus or Venus will be a Saturn star. Here we can easily understand Saturn occupying in Gemini sign and making impact on Venus, which is occupying in Sagittarius sign. Mutually aspect between each other. Shani Mithun Rashi pe hai aur Shukra jo hai wo Dhanu Rashi pe hai. Saptam Drishti se ek dono hi dekh raha hai. Ek jo ye dono hi dekh raha hai. ठीक है. और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन हम बताने जा रहा है कि सैटर्न केतु जुपिटर केतु और सैटर्न जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए. हियर जुपिटर मेकिंग इंपैक्ट ऑन केतु बाय इस 9th एस्पेक्ट. जुपिटर गुरु केतु को देख रहा है अपने 9वां दृष्टि से. गुरु बैठा हुआ है कुंभ राशि में 9th एस्पेक्ट से केतु को देख रहा है. केतु जो कि तुला राशि में बैठा हुआ है. केतु इज ऑक्युपाइंग इन लिब्रा एंड जुपिटर ऑक्युपाइंग इन एक्वेरियस साइन एंड जुपिटर इज मेकिंग इंपैक्ट ऑन केतु बाय इट्स 9th एस्पेक्ट. ऑल द कॉम्बिनेशन इज फुलफिल्ड हियर. अंडरस्टैंड? एम आई ऑडिबल? यस ऑडिबल. यस ओके. Now another legend horoscope, Ken Rao. Here, Libra ascendant is rising, and second lord Mars occupying in Lagna and making impact on 4th house, which is Saturn house, and Saturn, which is occupying in Jupiter, which is occupying in Jupiter. Jupiter is also occupying in 10th house. Here direct combinations is not seen, but second lord Mars and 10th lord Moon is conjunct. First combination is fulfilled, but 5th and 8th combination is not fulfilled. But as Jupiter is occupying in 10th house, it makes an extra mileage to Ken Rao to make his contribution in Indian astrology. Here second lord Jupiter, second lord Mars in Lagna and 10th lord Moon is Lagna. First combination is easily fulfilled, but 5th and 8th combinations Venus and Saturn is not directly connected, but as Jupiter in occupying in 10th house, it gives extra mileage to Ken Rao to make his contribution in Vedic astrology or Indian astrology. Here we can see Saturn Ketu, this combination is fulfilled. Saturn making impact on Ketu by its 10th aspect. Here all the combination is fulfilled, but 5th plus 8th, this combination is quite vague here. But as Jupiter occupying in Lagna, it nullifies, it fulfills, or it enriches, it bestows Ken Rao's horoscope. हेयर जो पहला जो कॉम्बिनेशन जो है सेकेंड और टेंथ का, यहाँ पर जो है पूरी तरह से यह पर ये जो है प्रेजेंट है ये कुंडली पे, लेकिन पंचम अष्टम का योग इस कुंडली में डायरेक्टली नहीं है, ये नहीं है. लेकिन गुरु का जो दशम का जो दृष्टि जो है गुरु का, ये जो खामती, ये जो अभाव, इस अभाव को पूर्ण कर दिया है. और थर्ड जो कॉम्बिनेशन जो है जुपिटर सैटर्न केतु और जुपिटर केतु, ये जो मैं बताया था फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन सैटर्न केतु का जो कॉम्बिनेशन, ये पर हम देख रहे हैं क्योंकि सैटर्न मेकिंग इंपैक्ट ऑन केतु बाय हिज 10th एस्पेक्ट. नाउ अनदर चार्ट इज प्रोफेसर निमाय बैनर्जी. ही इज ऑल्सो एसेंडेंट इज लिब्रा एंड सेकेंड लॉर्ड मार्स इन ऑक्युपाइंग इन 5th हाउस एंड मेकिंग इंपैक्ट ऑन 8th हाउस.
So 2 + 5 + 8, this combination is easily fulfilled. Second lord occupied in 4th house, Mars, and Mars making impact on 8th house by its 4th aspect. Okay, and 10th lord moon occupied in 4th house, making impact on 10th house also, and 5th lord also. All the combinations is fulfilled here. जो तीनों की जो तीन कॉम्बिनेशन जो है ये डॉक्टर निमाई बनर्जी की कुंडली पे लागू होता है. और चौथा जो कुंडली जो कॉम्बिनेशन मैं बताया था, जुपिटर केतु और सैटर्न केतु और सैटर्न जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर कनेक्ट हुआ. एक है जुपिटर केतु, गणेश योग उत्पन्न किया है वृश्चिक राशि में, और सैटर्न जुपिटर, ये भी कॉम्बिनेशन फुलफिल किया हुआ है, क्योंकि जुपिटर जो है वो नाइन्थ एस्पेक्ट पे शनि के ऊपर दृष्टि दे रहा है. जुपिटर मेकिंग इंपैक्ट ऑन सैटर्न बाय इट्स नाइन्थ एस्पेक्ट. सो ऑल द कॉम्बिनेशंस इज फुलफिल्ड हियर. Okay, sir. Thanks for sharing this example charts with us. So let's see if there are any other queries. Nishant Madhavji, you can unmute. Yes, sir. You can ask your question. Nishantji, you are not audible. आपकी आवाज नहीं आ रही है. निशान जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप अपना क्वेरी टाइप कर सकते हैं चैट सेक्शन पे. हेलो. हाँ जी सर. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है सर, बोलिए. हाँ, मुझे सर ये पूछना था कि अगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को जो कंजंक्शन आपने बताए हैं वो फुलफिल हो रहे हो चार्ट में, बट अगर किसी की जैसे मेरी रेगुलर स्टडीज नहीं है, स्टडी भी इनकम्प्लीट है, तो क्या उस बेस पे भी ये काम करेगा? फिर से बोलिए, क्वेश्चन समझ नहीं आया. मेरे जो राशि चार्ट है जी, उसके अंदर फर्स्ट कॉम्बिनेशन 10th हाउस एंड सेकंड हाउस कंजंक्शन है जी, और सेकंड कंजंक्शन जो अपना 5th हाउस एंड 8th लॉर्ड का कंजंक्शन है जी, एंड शुक्र शनि युति है, बट मेरी रेगुलर स्टडीज नहीं है, स्टडी इनकम्प्लीट है, तो क्या उसमें भी ये काम करेगा? रेगुलर स्टडीज नहीं है मतलब कि ज्योतिष को छोड़कर जो अलग जो नॉर्मल स्टडीज? नहीं नहीं, मेरा ज्योतिष नहीं, मेरा स्टडी एक्चुअली इनकम्प्लीट है. हाँ, एकेडमिक नॉलेज, एकेडमिक स्टडीज जी जी जी. ठीक है, उसके लिए चौथे भाव, नौवे भाव, ग्यारह भाव को देखना चाहिए कि देखिए चौथे भाव का जो स्वामी, अगर कोई ऐसे नक्षत्र पे स्थित है जो कि षष्ठ या अष्टम या द्वादश स्थित हो या रेट्रोगेट हो, तो ऐसा, और उसके ऊपर कोई मैलिफिक प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट हो, नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट का, तो स्टडीज में ब्रेक हो सकता है. सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, उनका क्वेश्चन ये था कि उनका स्टडी जो है वो इनकम्प्लीट है अपना एकेडमिक्स, तो उसके बाद भी ज्योतिष का जो आपने बताया सारा वो पॉइंट वो मिल रहा है, तो ये क्या वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ये वो पूछ रहे मेरे साथ. इफ दिस थ्री कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन योर हॉरोस्कोप, अगर ये तीनों जो कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया ये अगर आपके कुंडली में है, तो आपको ज्योतिष बन सकोगे. ज्योतिष बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा माइलेज देगा, क्योंकि ये जो है ये कॉम्बिनेशन आपको जो है ये प्रीवियस बर्थ से आप लिए हुए हो. अगर 2 + 10, 5 + 8 शुक्र शनि का अगर कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में हो, तो नॉर्मल स्टडीज अगर हम पर हो सकता है, वो देखने के लिए 4th हाउस देखना पड़ता है. लेकिन अगर ये ज्योतिष संबंधित विद्या जो आज हम लोग डिस्कशन कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके कुंडली में हो, तो जरूर आप एक अच्छे ज्योतिष बन पाओगे. ये तो एकदम लास्ट कॉम्बिनेशन है इसमें.
लास्ट कॉम्बिनेशन जो गणेश योग आपने बताया वो भी है इसमें जी। तो आपको अब ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर बनोगे, आपका ज्ञान उच्च स्तरीय होगा, आप डेडिकेटेड रहोगे नॉलेज के ऊपर। थैंक यू सर। सो एनी अदर क्वेरीज? यस विकास जी। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे मंगल की बात हुई एर्थ हाउस की, जैसे एर्थ हाउस का ओनर है और हम जानते हैं कि मटेरियलिस्टिकली हम आंख से जो चीज नहीं देख सकते, तो कहीं ना कहीं जो बैक एंड ऑफ द वो होता है ना, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। एंड मंगल को एक आधिपत्य मिला है एंड मतलब एक बहुत बड़ी ब्राह्मण राशि का, तो मंगल का मतलब क्यों, मतलब पूछना चाहता हूँ कि मंगल का क्यों रोल नहीं है? जैसे अब जैसे शनि और शुक्र का आपने बोला कि दशम और सेकंड का वो है कॉम्बिनेशन, जैसे सूर्य मंगल का क्यों नहीं हो सकता? मतलब मेरे को ये देखिए सूर्य जो है, देखिए ये जो सूर्य जो है वो तो आपको प्रकाश का कारक है, इसको नहीं ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रवि का भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर हो तो आप फेमस बन पाओगे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर फेमस बन पाओगे, आपका आपका परिचित होगा, आपका आपका आपको लोग जान, यू विल बी वेल नोन फेस इन एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड इफ 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 सन इज पावरफुल ऑफ सन इज इन केंद्र कोण एंड इन बेनिफिक कंडीशन एंड इन दिस कॉम्बिनेशन दैट इज क्वाइट गुड। बट इन In in case of Mars, Mars should not be added because Mars का जो character जो होता है वो impulsive होता है। ज्ञान अगर धैर्य अगर नहीं रहे आपके अंदर तो आप ज्यादा दूर तक नहीं आगे बढ़ सकोगे। ये जो ज्ञान का जो है ये dedication के ऊपर निर्भर करता है और मंगल के अंदर dedication नहीं है। मंगल क्षत्रिय है जिसके अंदर force है, और रवि जो है रवि भी क्षत्रिय है, लेकिन जो king जो होता है ना किंग के अंदर रवि के अंदर एक श्रृंखला एक डिसिप्लिन है, लेकिन मंगल के अंदर डिसिप्लिन है। इसीलिए अगर एक्सीडेंट अगर विचार करने जाओ, दुर्घटना ऑपरेशन अगर विचार करने जाओ तो रवि को नहीं हम लोग नहीं लेते, मंगल को लेते, क्योंकि मंगल इंपल्सिव होता है। ज्ञान को जो भी ज्योतिष के अलावा जो भी ज्ञान होता है, ज्ञान को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको डेडिकेशन होना चाहिए जो मंगल के अंदर नहीं है जी। जैसे वास्तु वास्तु के लिए भी शायद हम देखते हैं कि किसी का मंगल के हिसाब से, तो मेरे को मतलब यही थोड़ा पूछना। जी जी, जैसे हम वास्तु की जो चैप्टर है वो अलग है, लेकिन ज्योतिष अच्छा। बनने के लिए मंगल जो है ना, ज्योतिष एक उच्च स्तरीय ज्ञान है, वेदांग है, तो वेदांग समझने के लिए, ज्योतिष समझने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, क्या बोलता है, आपको नॉलेज होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मंगल के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन रवि के अंदर है क्योंकि रवि किंग है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रवि सत्य गुण के कारक होता है। अगर आप ग्रह के अगर गुण के प्रकार भेद अगर देखो तो रवि सत्य गुण को दर्शाता है, मंगल तमो गुण को दर्शाता है। तमगुण ज्ञान के लिए अग्रसर नहीं हो सकता। ये हिस्टोरिक एस्ट्रोलॉजी की बात हो गया। Okay. Thanks, Samantha ji, for this wonderful session. Thank you, sir. And it's now 8 p.m., so we have another session on the same Zoom ID. Okay. So now we have to end this session. So hopefully we will connect once again and we will take new topic. Okay, and then we can arrange new webinar. So I hope you will join us for that thing also. And thanks for all of the audience, our students, for joining this session. So, can we end this session, sir, now? Yes, sir. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Thank you. Namaste. Okay, thank you.